हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा जिला मुख्यालय के एकमी रोड स्थित सूरज बैंक्वेट हॉल में गुरुवार को बिहार ईंट निर्माता संघ के सहयोग से भट्ठा के तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन जयराम दास की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से ईंट भट्ठों में प्रदूषण नियंत्रण एवं कोयला बचत से संबंधित तकनीकी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से जिगजैग स्वच्छता तकनीक अपनाकर ईंट भट्ठों से निकलने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष मुरारी कुमार मन्नू ने बताया कि नए स्वच्छता तकनीक से भट्ठों को परिणत करने से काफी हद तक प्रदूषण में कमी आई है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इसमें सभी चिमनी मालिकों सहित फायरमैन एवं लोडर ने हिस्सा लिया है। प्रशिक्षक के रूप में दिल्ली से आए तकनीकी विशेषज्ञ सोनल कुमार ने कहा कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के निर्देश पर बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य के ईंट भट्टों को अब लगभग जिगजैग टेक्नोलॉजी में परिणत किया जा चुका है। इससे कोयले की खपत में 15 से 20% एवं प्रदूषण में 50 से 60% की कमी आई है। दरभंगा जिला ईंट निर्माता संघ के महासचिव चंदन सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा छोटी छोटी त्रुटियों के कारण होने वाले नुकसान से बचने के उपाय भी बताए गए। जिला उपाध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ईंट की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ कोयले की खपत कम करना और वायु प्रदूषण को कम करना है। कार्यक्रम में ईंट की नई दर भी निर्धारित की गई, जिसमें एक नंबर ईंट की दर 16,000 रुपये प्रति टेलर निर्धारित किया गया। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर चंदन सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन शरद कुमार ने किया। कार्यक्रम में जिला खनिज विकास पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव, सहायक वाणिज्य कर आयुक्त संजय कुमार, प्रदूषण कंट्रोल विभाग मुजफ्फरपुर के शिव शंभु प्रसाद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमित कश्यप, लोकेश कुमार, मधुबनी जिलाध्यक्ष लाल बाबू, शिवहर जिलाध्यक्ष मोती बाबू, जिला सचिव मोहम्मद आमिर निषाद, कोषाध्यक्ष संजय बजाज एवं संजय कुमार यादव, आफताब अहमद, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार झा, शमशाद आलम, अशोक ठाकुर आदि भी मौजूद थे। जी, अभी 3 साल से ईंटा भट्टों को स्वच्छता तकनीक में किया गया है कि पर्यावरण कंट्रोल रहे, पॉल्यूशन कम हो। इस संदर्भ में एक्सपर्ट हमारे आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि कैसे कम खर्च में उच्च गुणवत्ता की ईंट बने और कम कोयले की खपत हो, उसी के लिए ट्रेनिंग है। और दूसरा हम लोगों का है कि पिछले साल से इस साल कोयले के दाम में दुगने से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो हम लोग ईंट की नई दर तय करेंगे आज और उसे बताएंगे लोगों को नई दर क्या है। मुख्य अतिथि में प्रदेश अध्यक्ष हमारे बिहार ईंट निर्माता संघ के मुरारी कुमार मनू जी, जिला खनन पदाधिकारी हैं और मधुबनी के जिला अध्यक्ष हैं और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी। इस मीटिंग का मेन मकसद है सो जिगजैग तकनीक में कोयला कम से कम जले, क्या कि कोयला का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ईंट का मूल्य तय हो। आपकी ट्रेंच की चौड़ाई 25 इंच की जगह पे 25 फीट 6 इंच होती या 25 फीट 7 इंच होती, तो आपको मतलब जो 5-5 इंच वाले जो पाए रखे थे उसको 6-6 इंच के करने पड़ते, तो वो थोड़ा सा फिर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं और फिर उसको एक रनर लगा के अपने भट्टे में देख सकते हैं कि कैसे आप पायों को सजा रहे हैं। बट कॉन्सेप्ट बेसिक यही है कि 5 लाइनों का चैम्बर होगा, ईंट के पाए ऐसे बनेंगे, सम संख्या में पाए होंगे और आप पायों में ईंट की संख्या कम ज़्यादा करके उसको एडजस्ट करना है।